सो वेलकम टू अप्सरा एकेडमिक्स। तो आज हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का सिविक्स का चैप्टर सेकंड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो ये कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो कर लिया था, उसमें ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्या है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले। तो आज हम समझेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो हमें समझना कॉन्स्टिट्यूशन ही है, बट एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं हम कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। ये हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 8 से लेकर 12th के सभी मेन सब्जेक्ट्स और मेन टॉपिक्स के वीडियो एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलते रहेंगे। तो आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया साउथ अफ्रीका में, वो चीज़ें हैं इस टॉपिक में, तो समझते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को बहुत माना जाता है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हुए हैं नेल्सन मंडेला। ये गांधी जी के बहुत मानते थे, ये भी साउथ अफ्रीका में एक बंदे हुए, एक पर्सन हुए हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के साथ क्या किया गया था, इनको 1964 में इम्प्रिजेंट कर दिया गया था, इनको जेल में डाल दिया गया था 1964 में, ठीक है। किस लिए, फॉर ट्रेजन। ट्रेजन क्या होता है, टू अपोज अपार्थीड। ट्रेजन मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह मतलब कि अपने नेशन के खिलाफ आप कर रहे हो, उनके खिलाफ बगावत कर रहे हो, रेवोल्यूशन ऐसा करके कुछ कर रहे हो, उसके खिलाफ जा रहे हो आप, तो आपको राजद्रोह के अंदर ले लिया जाता है, ट्रेजन के अंदर ले लिया जाता है। अब ट्रेजन क्यों कहा गया था, क्योंकि इन्होंने अपोज किया था अपार्थाइड को। अब ये है क्या अपार्थाइड, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वहाँ होता क्या था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो वाइट पीपल्स की गवर्नमेंट थी। किन की थी, वाइट पीपल्स की गवर्नमेंट थी, और वो डिस्क्रिमिनेट करते थे किनको, नॉन वाइट पीपल्स को। नॉन वाइट पीपल्स को मतलब जो मतलब वाइट नहीं होते थे, ब्लैक लोग होते थे, उनके साथ, ब्लैक पीपल्स के साथ वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अब किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल मतलब कलर के हिसाब से, रंग के हिसाब से, उनके रंग भेद। तो अब प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती थी नॉन वाइट लोगों को, तो नॉन वाइट लोगों को हमारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि उन लोगों को वाइट एरिया में नहीं रहने दिया जाता था। वाइट एरिया मतलब कि जिस जगह पर ये वाइट पीपल्स रह रहे हैं, उस जगह पर नॉन वाइट पीपल्स, ब्लैक पीपल्स नहीं रह सकते, नॉन वाइट पीपल्स नहीं रह सकते उस एरिया में। ये एक डिस्क्रिमिनेशन था। दे कैन नॉट वर्क इन वाइट एरियाज विदाउट परमिशन। अब जिस एरिया में वाइट लोग काम कर रहे हैं, वहां ये ब्लैक लोग या नॉन वाइट लोग काम नहीं कर सकते बिना इन वाइट लोगों की परमिशन के, बिना इन वाइट लोगों की परमिशन के। थर्ड, ऑल द प्लेसेस वर सेपरेटेड फॉर वाइट एंड नॉन वाइट पीपल, ठीक है, कि सारे प्लेसेस सेपरेट थे, कि वाइट पीपल्स के लिए और नॉन वाइट पीपल्स के लिए सारे जो प्लेसेस थे वो सेपरेट थे। इसी को पॉलिसी ऑफ सेग्रेगेशन कहा जाता है, पॉलिसी ऑफ सेग्रेगेशन। पॉलिसी ऑफ सेग्रेगेशन की नॉन वाइट पीपल्स के लिए और वाइट पीपल्स के लिए सारे प्लेसेस सेपरेट थे। तो भाई इसी चीज को अपोज किया था किसने, नेल्सन मंडेला की पार्टी जो थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मतलब इस पार्टी ने भी और नेल्सन मंडेला ने भी इस चीज को वॉइस रेज करी थी अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन के। इसी कारण 1964 में नेल्सन मंडेला को हमारा डाल दिया गया था, इम्प्रिजन कर दिया गया था। अब इम्प्रिजन के बाद वहां पर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, कैसे सारी चीजें खत्म हुई, नेक्स्ट वीडियो में हम वो समझेंगे। आई होप इसमें आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, नेक्स्ट वीडियो में बाकी वो देखते हैं। थैंक यू।